Hello English learners, we are going to learn using simple past tense in this module. I welcome you all to this video by e-classes by Shalini ma'am. इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज होता है, उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या हम गलतियां करते हैं और कहां पर हमें सिंपल पास्ट लगाना है, किस स्टाइल से वो लगाया जाता है. रूल्स भी देखेंगे और यूजेस भी देखेंगे और वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी देखेंगे जहां पर ये यूज होते हैं. सो आइए, लेट्स नॉट डिले एंड लेट्स प्रोसीड सिंपल पास्ट टेंस. स्टूडेंट्स, मेरी प्रीवियस वीडियो थी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या यूज होता है. आई एम प्रोवाइडिंग अ लिंक इन केस अगर आपको वो नहीं समझ आया, ऊपर आई आइकन में आपको अभी दिख जाएगा. यू कैन क्लिक एंड यू कैन व्यू दैट वीडियो फर्स्ट. उसको समझने के बाद आप यहाँ मेरे पास वापस सिंपल पास्ट के लिए ज्वाइन कीजिए. मैं प्रोसीड कर रही हूँ सिंपल पास्ट में. प्रिया सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट है. यहाँ वर्ब हम यूज़ करते हैं ईडी फॉर्म के साथ. सेकंड फॉर्म इंडिकेट करता है कि बीता हुआ टाइम, पास्ट टेंस है. इसको हमने आगे इसी फॉर्म के साथ यूज़ करना है. तो हम देखेंगे कि प्लेड को किस तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है और प्लेड की रिक्वायरमेंट कब होती है, हम क्यों सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सिंपल पास्ट लगाते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट का मतलब होता है देन. At some fixed time in past, जो समय बीत चुका होता है, ये हम सब जानते हैं. वैसे इस टेंस के लिए जैसे मैं पहले भी कहा था, रूल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कम बातें याद रखनी है आपको. फिर भी अगर आपको कन्वीनियंट है, आई एम गिविंग यू द रूल ओवर हियर. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर हम राइट वर्ब ले रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म इज रोट. मोना रोट अ लेटर yesterday. इवन इफ yesterday ना लिखा हो, सिर्फ इतना हो मोना रोट अ लेटर, तो भी हमें पता होता है कि ये पास्ट में हुआ है क्योंकि इट इज रोट. ही और शी और इट, कोई भी आप वर्ड लगा लें यहाँ पे, कोई भी प्रोनाउन लगा लें, इट विल रिमेन रोट. रोट अ लेटर ऑन मंडे. आई रोट अ लेटर लास्ट ईयर. यू रोट अ लेटर लास्ट ईयर. दे रोट अ लेटर लास्ट ईयर. सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सिंपल पास्ट टेंस इज वेरी सिंपल इन दिस यूज ऑफ. First area of using simple past is for some fixed time in past, when an action happens in some time in past. अब यहाँ you have to understand one thing. कभी कभी sentence के अंदर past का वो time indicate नहीं किया होता, लेकिन यह हमें मान के चलना पड़ेगा कि बोलने वाले को उस time का fix होने का, कि वो time कौन सा था, ये पता ज़रूर होता है. तो हो सकता है उसे बोलना ज़रूरी ना हो, उसे लिखना ज़रूरी ना हो, लेकिन पढ़ने वाले को ये समझना है कि जिसने भी ये सेंटेंस बोला या लिखा है, वो किसी एक फिक्स टाइम इन द पास्ट में, बीते हुए समय में, उसको मान के चल रहा है. तो माय फादर एट एन एप्पल, दिस मींस टाइम कैन बी एनी टाइम इन पास्ट. इट कैन बी येस्टरडे और दैट डे, वो दिन, वैसा दिन, कुछ भी, लेकिन एट जब भी हुआ है किसी फिक्स टाइम पर हुआ है. आई विजिटेड द टेम्पल, इतना भी ठीक है. अगर वो कोई बोले आई विजिटेड द टेम्पल लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर उसको एक्सप्लेन करता है. तो हेयर यू हैव अंडरस्टूड कि सिंपल पास्ट को यूज करने के लिए वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एट सेकंड फॉर्म है ईट की, विजिट सेकंड फॉर्म है विजिट की. ट्राई टू मेक वन सेंटेंस योर सेल्फ. टेक सब्जेक्ट एज आई, वर्ब कुक, ऑब्जेक्ट मील्स. कुड यू गिव द आंसर? लेट मी कन्फर्म. द करेक्ट आंसर इज आई कुक्ड मील्स. कुक का सेकेंड फॉर्म कुक्ड आएगा. आई कुक्ड मील्स, आप इसमें टाइम ऐड कर सकते हैं. आई कुक्ड मील्स येस्टरडे, आई कुक्ड मील्स डे बिफोर येस्टरडे. तो कुछ भी पास्ट का टाइम आप लगा दें टू कंप्लीट द सेंटेंस, लेकिन टाइम लगाना ऑप्शनल है. सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पता लग ही जाता है कि आप किसी बीते हुए टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ वी कम टू द सेकेंड एरिया ऑफ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. इसमें होता है कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, ठीक है, और वो जल्दी जल्दी, मतलब कि ऑलमोस्ट एक ही फिक्स टाइम में जल्दी जल्दी से हो गए. सो एक्शंस कंप्लीटेड क्विकली इन पास्ट. फॉर एग्जांपल, वी रीच्ड होम, चेंज्ड द कॉस्ट्यूम एंड वॉश्ड आवर हैंड्स. अब इसमें क्या हुआ है, बोलने वाले ने सारे काम जल्दी जल्दी तकरीबन एक ही समय में फटाफट से कर लिए और वो सारे काम एक बीते हुए पास्ट में हुए थे. तो रीच्ड होम, Changed the costume, washed our hands. Notice the use of second form of verb in all these three cases. The boy went to his mom
told her a lie and ran away from the teacher. Now see again, एक ही सेंटेंस में तीन काम जल्दी जल्दी हुए, went, told, ran. So when a sequence of actions are done together in close time and all of them are in past, we use simple past tense. I hope you all are enjoying this lesson on simple past tense. You can see on the top there are links appearing. ये जो links हैं, ये मेरी दूसरी grammar videos के बारे में हैं. तो please अगर आप उनको view करना चाहें तो कीजिए. अगर आपको ये content सही लगता है, आपको लगता है कि ये clearly समझाया गया है और किसी और को भी इसका फायदा हो सकता है about English grammar, तो please मेरे channel को subscribe कीजिए, videos को like कीजिए, बारी बारी view कीजिए, दोबारा अपने revision कीजिए, समझिए जो मैं समझा रही हूँ. और अगर आपको इसमें और clarity चाहिए, कुछ worksheets चाहिए और practice चाहिए, तो I will be providing my details. आप मेरे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए. हम कंप्लीट ग्रामर कोर्सेज करवाते हैं और कोचिंग भी देते हैं सिलेबस ऑफ इंग्लिश की. तो मेरे लिंक्स जो आपके पास अब तक 3-4 लिंक्स आपको व्यू हो चुके होंगे ऊपर आए वाले आइकन पे, उनको क्लिक कीजिए और फाइंड आउट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से सही तरीके से हम समझा रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं. थैंक यू सो मच. लेट्स प्रोसीड विद सिंपल पास्ट. एक और यूजेज सिंपल पास्ट की क्या होती है? इन द मिडल ऑफ एन एक्शन हैपनिंग ऑलरेडी इन पास्ट. अब तक तो हमने जो किया वो दोनों सिंपल थे कि वो बीते हुए कल में हो गया. लेकिन कभी कभी क्या होता है, पास्ट में ही हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम चल रहा है. जब कोई काम चल रहा होता है मतलब वो पूरा नहीं हुआ, तो आईएनजी लगाते हैं, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं टेंस. तो आईएनजी में वो काम चल रहा है पिछले पास्ट में, और जब वो काम चल रहा होता है उसके बीच में कोई और काम आ जाए. अब हुआ तो सब कुछ पास्ट में, तो जब वो जो बीच वाला काम आया है उसको इंडिकेट करने के लिए वी यूज सिंपल पास्ट. द एक्शन दैट हैपेंस इन द मिडल ऑफ सम एक्शन विच इज हैपनिंग ऑलरेडी, फॉर दैट एक्शन वी यूज सिंपल पास्ट. देखिए, आई वॉज प्रैक्टिसिंग सिंगिंग वेन माई सिस्टर केम इन. सिंगिंग प्रैक्टिसिंग, उसकी प्रैक्टिसिंग चल रही थी, उसके बीच में एक एक्शन हुआ, सिस्टर केम इन, वो आई, तो इसलिए सिस्टर के आने वाला बीच वाला एक्शन था, वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट. सेकंड, वी वर पेंटिंग फ्लावर्स व्हेन माय फादर कॉल्ड अस. तो फ्लावर्स की पेंटिंग चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फादर ने बीच में बुलाया तो कॉल्ड के लिए वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट. तो नोटिस, कॉल्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉल, केम इज सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. ट्राई वन सेंटेंस योर सेल्फ. इसमें मैं आपको दोनों सेट ऑफ एक्शन दे रही हूँ, सब्जेक्ट बेबीज एंड क्रॉल, और उसके बीच में एक्शन हुआ दे, सी वर्ब है, अ स्पाइडर. तो हिंदी में बताऊंगी, बेबीज क्रॉल कर रहे थे, क्रॉल मतलब रिड़ रहे थे, उसके बीच में उन्होंने क्या देखा, एक स्पाइडर देखा. तो आप करेक्ट सेंटेंस में, करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में करेक्ट वर्ब लगाइए. I'm giving you 3 seconds. Your answer should have been, babies were crawling when they saw a spider. If this was your answer, then please comment and tell me whether you could answer this or not. मुझे बताइए कि क्या मैं आपको समझा सकी इसका करेक्ट यूज, जरूर बताइएगा. अब हम करते हैं एक और यूज सिंपल पास्ट की. कभी कभी एक एक्शन हमने पास्ट में किया होता है और उस पूरे का पूरे एक्शन का ड्यूरेशन हम बताते हैं कि वो हमने कितने दिन तक किया. अब वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, पहली बात. दूसरी बात, वो एक्शन कितने समय तक किया गया. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड होम फॉर मोर देन 40 days. हम घर पे 40 दिन से ज़्यादा तक रहे. अब वो एक्शन हम एक मान के चल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन बता के, तब सिंपल पास्ट यूज होगा. माय ब्रदर स्पोक टू हिम, मेरे ब्रदर ने उससे बात की, फॉर मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा तक बात की. तो यहाँ पर भी एक एक्शन हुआ पास्ट में, माय ब्रदर स्पोक टू हिम, और फॉर लगा के हम बता रहे हैं कि वो एक्शन कितने टाइम तक चला. अब ट्राई दिस एग्जाम्पल योरसेल्फ. सब्जेक्ट आई कुक, वर्ब ऑब्जेक्ट करी,
और टाइम आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं. आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर. योर आंसर शुड हैव बीन आई कुक्ड करी फॉर 10 मिनट्स. मैंने करी कुक की 10 मिनट के लिए. तो टाइम कुछ भी हो सकता था. आई कुक्ड हमने देखना है, कुक्ड करी. दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. तो जरूर बताइएगा कि आप ये आंसर दे सके कि नहीं. अब हम चलते हैं एक कंपैरिजन में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के. एक चीज सिंपल प्रेजेंट में जो थी वो सिंपल पास्ट में कैसे बनेगी. तो ये टेंसेस की कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए. मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया है. हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, यू मस्ट हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो. अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे इसका लिंक दोबारा दे रही हूँ ऊपर. प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और वो वीडियो एंड तक देखिए. उससे आपके बहुत सारे बेसिक्स टेंसेस के क्लियर होने वाले हैं. तो लेट्स प्रोसीड. आई स्पीक इंग्लिश. स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, उसको हमने सेकेंड फॉर्म में लाना है. आई स्पोक इंग्लिश. अगर हम इसे समझने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, मैं इंग्लिश बोलती हूँ. ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब मैं बोलती हूँ, मुझे आती है या मेरी आदत है, दोनों तरह कह सकते हैं. आई स्पोक इंग्लिश, मैंने वहाँ इंग्लिश बोली. इसका मतलब यह है, अब यहाँ वहाँ लिखा नहीं है, लिखा सिर्फ इतना है कि मैंने इंग्लिश बोली, पर इसका मतलब समझने में यही है किसी मौके पे उसने इंग्लिश बोली. माई ब्रदर स्लीप टिल 7 AM. मेरा भाई 7 बजे तक सोता है. पास्ट में माई ब्रदर स्लेप्ट टिल 7 AM. मेरा भाई 7 बजे तक सोया. अब यहां समझ में हमें खुद आ रही है कि वो जरूर किसी एक दिन की बात बता रही है. रिचर्ड पार्क्स हिज कार नियर द फ्रंट गेट. इसे ट्रांसलेट खुद कीजिए, इसे ट्रांसफॉर्म खुद कीजिए सिंपल पास्ट में और बताइए इसका आंसर क्या होगा. आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स. अगर आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इसका आंसर टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. एंड नेक्स्ट, द बॉयज राइड बाइसिकल्स. इसमें वर्ब राइड है, उसको चेंज करते हुए ट्राई टू क्रिएट द आंसर इन सिंपल पास्ट. सो दिस इज हाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट. एक और बात यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको साथ ही. अभी मैंने आपको बोला कि सिंपल पास्ट में हम जो ये बातें कर रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि बीते हुए टाइम में हमने ये एक्शन किया किसी एक स्पेसिफिक टाइम में. लेकिन जब हम इनको पूरी एक कहानी में पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा, हो सकता है कि उस कहानी के मुताबिक ये किसी पुराने पास्ट की हैबिट को भी डिनोट करे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहानी चल रही है जिसमें मैं बता रही हूँ कि मेरा भाई रोज सुबह 7 बजे तक सोता है, अगर वो पूरी कहानी किसी पास्ट में बताई जा रही हो, ठीक है, कि कोई समय था जब मेरा भाई तब 7 बजे तक सोया करता था, तो उसके लिए भी सेम सेंटेंस यूज होगा. पर इन दोनों मतलब दोनों को हम मतलब को कैसे फर्क लाएंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा मतलब कहाँ है, ये आपको सिंगल इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं समझ आएगा. ये समझ तब आएगा जब ये सेंटेंस और सेंटेंसेस के साथ मिक्सअप होके कोई कहानी, कोई सीन, कोई डायलॉग होगा, तब समझ आएगा अच्छा यहाँ पे उसका मतलब किसी पास्ट की हैबिट से है या किसी पास्ट के सिर्फ एक्शन से है जो एक बीते हुए कल में कोई काम हुआ है बस. तो दिस वी हैव टू नो, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग. ये कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है कि ये किसी बीती हुई हैबिट को समझा रहा है या किसी बीते हुए कल के किसी एक्शन को समझा रहा है. तो सिंपल पास्ट के यूजर्स दोनों होते हैं. लेट्स प्रोसीड. मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म होती है सेंटेंस की, अफर्मेटिव में सिर्फ एक सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में होता है, वो कुछ बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है. तो हम इसमें भी उसी तरह चलेंगे. सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव को वी विल चेंज इट इनटू इंटरोगेटिव. सो व्हाट इज अफर्मेटिव? आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती थी, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि मैंने इंग्लिश बोली. दोनों मीनिंग्स इसके करेक्ट हैं. तो अगर आई स्पोक इंग्लिश को हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हम, क्योंकि पास्ट है तो हम करेंगे डिड आई स्पीक इंग्लिश. अब देखिए, हमने कहा कि सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, बट पॉइंट टू नोट हेयर, स्पीक इज द फर्स्ट फॉर्म. स्पीक कहाँ से आया? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि बिकॉज वी हैव टू क्रिएट इंटरोगेटिव फॉर्म, वी हैव टू बिगिन दिस सेंटेंस विद डिड. इसको डिड से शुरू करना पड़ेगा, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में डू से शुरू किया था.
तो अब क्योंकि डिड लग गया तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से हम स्पीक यूज करेंगे। जो सिंपल पास्ट वाला सेकेंड फॉर्म का जो असर आना था वो डू पे लग चुका है, वो डिड बन चुका है, इसलिए स्पीक स्पीक रहेगा क्योंकि डिड के साथ हमेशा स्पीक आता है। नेक्स्ट, माय ब्रदर स्लेप्ट टिल 7 AM, तो डिड के साथ शुरू करेंगे, डिड माय ब्रदर स्लीप टिल 7 AM, तो स्लीप आएगा फर्स्ट फॉर्म। इसी मुताबिक इसी के अकॉर्डिंग प्लीज ट्राई कीजिए। थर्ड सेंटेंस, रिचर्ड पार्क्ड हिज कार नियर द फ्रंट गेट, फर्स्ट वर्ड विल बी डिड। आई हैव हेल्प यू सो मच, मैं इतनी हेल्प आपको कर देती हूँ। डिड से आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा रिचर्ड, बाकी आप खुद बनाइए। ट्राई टू आंसर दिस एंड गिव द आंसर टू मी इन कॉमेंट बॉक्स। और फोर्थ, द बॉयज रोड बाइसिकल्स, अगेन इसका फर्स्ट वर्ड डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा द बॉयज, इसके आगे क्या आएगा आप प्लीज सोच के राइट द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, हम उसको निगेट करते हैं, हम उसमें नॉट लगाते हैं। आई स्पोक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, माई ब्रदर स्लेप्ट टिल 7 AM, माई ब्रदर डिड नॉट स्लीप टिल 7 AM। अब इसमें कैसे लगाएंगे नॉट, ट्राई टू आंसर फॉर फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, इसमें नंबरिंग डाल दीजिएगा इफ यू आर आंसरिंग ऑल दिस। तो आई हैव गिवन यू नाउ द क्वेश्चन, रिचर्ड पार्क्ड हिज कार नियर द फ्रंट गेट एंड द बॉयज रोड बाइसिकल्स, ट्राई टू आंसर दिस। नेक्स्ट, नाउ वी विल टेक नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें नॉट भी आएगा और डिड भी आएगा और क्वेश्चन फॉर्म भी आएगी, तो इसको मर्ज कैसे करेंगे देखिए। आई स्पोक इंग्लिश, डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोली। माई ब्रदर स्लेप्ट टिल 7 AM, डिडंट माई ब्रदर स्लीप टिल 7 AM, क्या मेरा भाई 7 AM तक नहीं सोया। नेक्स्ट टू, ट्राई योर सेल्फ, रिचर्ड पार्क्ड हिज कार नियर द फ्रंट गेट, डिडंट रिचर्ड डैश, आगे आप खुद करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, द बॉयज रोड बाइसिकल्स, डिडंट बॉयज, लाइक दिस। तो ट्राई टू गिव दीज आंसर्स ऑल्सो। I hope this module was very useful to you. If you want more practice about simple past tense, do comment and let us know what else you want us to give us a practice about. That was all from E-Classes by Shalini Ma'am. Keep excelling in English. Keep watching good videos. Keep watching good content. And keep sharing knowledge of English with everyone so that we become a powerful nation. Thank you so much.